हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हम जीरो नंबर बाल गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है इसको बनाना, और हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप भी इस तरह की ड्रेस बना के अपने बाल गोपाल जी को पहना सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जीरो नंबर बाल गोपाल जी की चोली बना के तैयार कर रखी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और चोली के लास्ट में हमारे पे 20 स्टिच है, 20 10 हमारे फ्रंट पे है और 10 हमारे बैक साइड पे। और ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 mm का हुक लिया हुआ है, और नंबर में इसे 12 नंबर का हुक बोलेंगे। 12 नंबर का हुक है ये। और देखिए मैंने यहाँ पे 2 ply की ऊन ली हुई है। ये देखिए दो धागे आपस में लिपटे हुए, तो हमारी 2 ply की ऊन है। और मैंने ये मल्टी कलर की ऊन भी ले रखी है, ये भी 2 ply की ऊन है मेरी। ये देखिए ये भी दो धागे आपस में लिपटे हुए, तो ये हमारी 2 ply की ऊन है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चोली की किनारी बना लेंगे। देखिए जो हमारा ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ से हुक डालेंगे। ये देखिए हम स्पेस में से डाल रहे हैं, चैन के अंदर से नहीं डालना है। और यहाँ स्लिप चैन से इसे ज्वाइन कर देंगे धागे को, और इस वाले धागे को हमें दबाना नहीं है। अब इसी जगह से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए धागा लेके बाहर आए, 2 लूप है, 2 में से 1 कर देंगे। देखिए बल नहीं लेना, हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए हुक डालेंगे, धागा लेके बाहर आएंगे और 2 लूप है, 2 में से 1 कर देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब देखिए दूसरा वाला, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके स्पेस में से हुक डालेंगे और यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्पेस है, यहाँ से हुक डालेंगे और यहाँ पे 2 बार बनाएंगे, 1 2। और देखिए हमारा ये सबसे ऊपर वाला डबल क्रोशिया है, 4th, यहाँ से भी देखिए 2 बार बनाएंगे, 1, सेम जगह डाल के 1 बार और बनाएंगे, 2। देखिए हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे आके हमें 1 चैन बनानी है, क्योंकि हम अगर इस साइड जाएंगे तो हमारा खिंचाव ना आए, इसलिए हमें 1 चैन बनानी है। अब देखिए यहाँ से भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। अब हम यहाँ पे देखिए 2 2 double crochet छोड़ेंगे, 1 2। और ये देखिए दूसरे के बाद जो हमारा स्पेस है वहाँ से हम 2 बार बनाएंगे, एक ही जगह से 2 बार बना रहे हैं हम। फिर से ये देखिए 1 और 2, 2 double crochet छोड़ेंगे, उसके बाद वाले स्पेस में हुक डालेंगे और यहाँ से भी 2 बार double single crochet बनाएंगे। देखिए फिर से 2 छोड़ देंगे, 1 2। ये हम सिंगल क्रोशिया बना रहे फ्रेंड्स। फिर से 2 छोड़ देंगे, 1 2, यहाँ से हुक डालेंगे। अब देखिए हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे आके हमें 1 चैन बनानी है। हमने इस साइड पे भी 1 चैन बनाई थी, और यहाँ से भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। और इसी तरह से मैं बनाते हुए नीचे तक आ जाऊंगी। देखिए मैं बनाते हुए नीचे तक आ गई, और 1 चैन लेंगे। अब धागा कट करेंगे अपना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू की भी किनारी बना दी है। अब देखिए इन धागों को हम अंदर ले जाके नॉट लगाएंगे। उल्टी कर लेंगे पहले हम अपनी चोली को। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से नॉट लगा देंगे दोनों धागों को पकड़ के, ताकि हमारी चोली आगे से बंद रहे, खुली खुली से न लगे। 2-3 नॉट लगा देंगे। अब देखिए देखिए इस तरह से हमारी चोली आएगी बिल्कुल बंद। और इसी तरह से मैं बाजू में भी लगा लूँगी, और धागे कट कर देंगे बाद में। देखिए अब आप घेरा बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम पहले 5 स्टिच छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5।
अब छठी चैन में अपना हुक डालेंगे और यहाँ स्लिप चैन से धागा ज्वाइन करेंगे। तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इस पीछे वाले धागे को दबा देंगे। अब दूसरी चैन के अंदर से हम दो बार बनाएंगे, एक, देखिए डबल क्रोशे बनाते कैसे हैं, बल लेंगे और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे, दो। एक चैन के अंदर से एक डबल क्रोशे बनाना है और दूसरी चैन के अंदर से हमें दो बार बनाने हैं, एक, और देखिए सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे, दो। देखिए एक अलग बनाया हमने और एक चैन में से हमने देखिए दो बनाए, फिर एक अलग बनाया, फिर एक चैन के अंदर से दो बार बनाए, और इसी तरह से रो पूरी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट हमारा दो पे हुआ है एक चैन के अंदर से। स्टार्टिंग हमने एक से करी थी, अब देखिए लास्ट में आके थर्ड चैन में ज्वाइन कर देंगे, जो हम तीन चैन बनाते हैं उसकी सबसे ऊपर वाली चैन में स्लिप चैन से। ये हमारा फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए तीन चैन बनाएंगे। अब देखिए एक हमारा डबल क्रोशे बन गया, अब दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे और देखिए तीसरी चैन के अंदर से हमें दो बार बनाने हैं, एक और दो। हर तीसरी चैन के अंदर से हमें दो बार बनाने हैं, दो अलग अलग बनाएंगे हम, एक दो, और जो हमारी थर्ड चैन आएगी उसके अंदर से हम दो बार बनाएंगे, एक दो। देखिए और इसी तरह से रो पूरी करेंगे। देखिए हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड चैन में लाके इसे ज्वाइन कर देंगे राउंड को। थ्री चैन बनाएंगे। देखिए एक हमारा एक डबल क्रोशे बन गया है। अब दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे और थर्ड चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे, और जो हमारी फोर्थ चैन है उसके अंदर से हम दो बार बनाएंगे, एक, देखिए, और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे, दो। देखिए तीन अलग अलग चैन के अंदर से बनाने हैं और फोर्थ चैन में आके दो बार बनाने हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रो पूरी करेंगे। देखिए हमारा थर्ड रो भी कम्प्लीट हो गया है। अब थर्ड चैन में लाके इसे ज्वाइन कर देंगे राउंड को। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे और इस वाले धागे को हम पीछे की साइड रखेंगे, दबाना नहीं है हमें। देखिए इस वाले लूप में से पास कर देंगे और थोड़ा धागा पीछे से खींच लेंगे। और इस वाले धागे को दबा देंगे साथ के साथ। और यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, ये हमारा एक सिंगल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए दूसरी चैन के अंदर से भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए बल नहीं लेना हमें, जब हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो बल नहीं लेते। देखिए दूसरी चैन में हुक डालेंगे, धागा लेके बाहर आएंगे और दो लूप पे एक दो, दो में से एक कर देंगे। थर्ड चैन में हुक डालेंगे, धागा लेके बाहर आए, दो लूप पे दो में से एक करेंगे। देखिए अब हमें फोर्थ रो में पांचवी चैन में से दो बार बनाने हैं, एक, और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे, दो। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक चैन के अंदर से एक बार, दूसरी चैन के अंदर से भी एक बार और थर्ड चैन के अंदर से भी एक बार, फोर्थ चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे, और जो हमारी पांचवी चैन आएगी उसमें हम दो बार बनाएंगे, एक दो। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये, और इसी तरह से हम रो पूरी करेंगे। देखिए फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब लास्ट में आके इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप चैन से। अब अपना ये वाला धागा उठाएंगे पीछे का और लूप चेंज कर देंगे। तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और इस वाले धागे को भी हम पीछे की साइड रखेंगे, दबाना नहीं है हमें, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब देखिए दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, तीसरी चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे। देखिए चार हो गए,
पाँच। अब देखिए जो हमारी छठी चैन है, देखिए जहाँ हमने ये दो सिंगल क्रोशे बनाए थे वहाँ से हम दो बार बनाएंगे छठी चैन के अंदर से, एक और दो, एक दो तीन चार पांच अलग 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 बनाने हैं और छठी चैन में आके दो बार बनाएंगे और इसी तरह से रो पूरी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गया है, अब इसे थर्ड चैन में लाके इसे ज्वाइन कर देंगे राउंड को। अब दूसरा धागा लेंगे अपना पीछे से और लूप चेंज करेंगे अपना। अब इस वाले धागे को हम दबा देंगे क्योंकि हमें इसे कट करना है। देखिए अब अपना धागा हम इस वाले लूप में लेके जाएंगे स्लिप चैन से, पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। अब देखिए हमारे स्पेस में आ गया धागा। अब यहाँ के हम पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, हमने पांच चैन बना ली। अब हमें इसी जगह से देखिए बल लेंगे और पांच बार हमें धागे लेने, देखिए ऐसे एक, और देखिए हमें ये हाइट लंबी करके बनानी है, जितनी हमने ये पांच चैन बनाई है उसके बराबर रखनी है। एक बार हमने धागा ले लिया, यहाँ पे फिंगर रखेंगे, दो तीन चार देखिए पांच बार हमने धागे लिए, सारे लूप एक साथ निकाल देंगे पीछे के दो छोड़ के, ये देखिए अब दो में से एक कर देंगे, ये हमारी पफ स्टिच बन जाएगी। अब देखिए इसके बाद हमें दो डबल क्रोशे छोड़ने, एक और ये दो, और दो के बाद जो स्पेस है यहाँ से अपना हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशे से इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये शेप हमारा। अब यहाँ पे हम देखिए पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बनाई हमने और इसी स्पेस में से हम देखिए हम पांच बार बल लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, सारे लूप एक साथ निकालेंगे। देखिए ये दो बच गए हमारे, दो में से एक कर देंगे। अब फिर से इसे ज्वाइंट करेंगे, दो डबल क्रोशे छोड़ देंगे, एक और ये दो, दो के बाद जो स्पेस आएगा वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर से पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए अब यहाँ से देखिए बल लेंगे और पांच बार धागे लेंगे, एक हमें हाइट लंबी करके बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, सारे लूप एक साथ निकालेंगे। देखिए लास्ट के ये दो रह गए, दो में से एक कर देंगे। अब फिर से दो डबल क्रोशे छोड़ देंगे, एक दो, दो के बाद जो स्पेस आएगा हमारा यहाँ पे, हम चैन में से नहीं बना रहे ये स्पेस में से बना रहे डबल क्रोशे के बीच में से, देखिए एक दो, दो के बाद जो स्पेस है वहाँ पे डाल के हुक और सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट कर देंगे। और देखिए हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा और इसी तरह से रो पूरी करेंगे। देखिए मैं वर्क के लास्ट में आ गई, अब लास्ट में आके इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए लास्ट में हमारे पास एक दो तीन, तीन डबल क्रोशे बचे और हम हर बारी दो के बाद ही ज्वाइंट करते थे। तो देखिए अब इसे हम जो हमारे यहाँ पे पहला है ये पफ स्टिच वहाँ पे ज्वाइंट करेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए धागा लेके बाहर आएंगे और पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे और एक चैन लेके धागा कट करेंगे अपना। देखिए फ्रेंड्स मैंने बैक साइड ले जाके सारे धागे कट कर दिए और देखिए मैंने ये साथ ही साथ ये डोरी बना के डाल दिए चोली में। और हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, ये जीरो से एक नंबर बाल गोपाल जी को आराम से आ जाएगी फ्रेंड्स, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है हमारी ये ड्रेस। आप भी बना के अपने बाल गोपाल जी को पहना सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो साथ में आइकन बेल आता है बना हुआ उसको प्रेस करिएगा। मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।